वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन्नव्ययात्मा पत्र लिखे पुर्जा लिखे तो ऊपर भगवान का नाम लिखना चाहिए, ये याद करे सब भाई बहन। कोई लिखे कैसे पुत्र लिखे ऊपर भगवान का नाम होना चाहिए। ऊपर लिखा है कि गुरु नहीं बनाया मैंने, और हमारे साथ वाले कहते हैं गुरु जी ने बनाने से तुम्हारा कर्म सब निष्फल होता है। तो ऐसे लोगों में प्रसिद्धि कर रखी है,
जिनके गुरु बनने की शौक है उन पुरुषों ने विशेष बात से ऐसी प्रतिज्ञा रखी है। और वास्तव में गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, बात सच्ची है। मानो जो गुरु किसी को बना लिया उससे ज्ञान हो जाए, ये हमारे पास जस्ती नहीं है। मेरी दृष्टि से अच्छे महात्मा है, मैं जिनको श्रद्धा भक्ति में देखता हूँ, वे महाराज कहते हैं कि मैंने चेला बनाना शुरू किया, परंतु चेलों की ये आदत है कि गुरु जी को कष्ट मान लेते हैं और भगवान को नहीं मानते, तो मैंने वो छोड़ दिया। किसी से भी कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। अगर कोई अपना जीव कल्याण चाहे तो किसी से कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। हमारे इस राज्य में भी जिसको अच्छा फल दिया जाए उनको बंगला दिया जाता है, बगीचा दिया जाता है, मोटर दी जाती है, नौकर दिए जाते हैं, जैसे भी काम करें ठीक तरह से। वैसे ही भगवान के दरबार में भी प्रबंध है। और वास्तव में ऐसे महापुरुषों से मैंने सुना है, उनके लेख पढ़े हैं, उन्होंने कहा गुरु जातक बनाने नहीं बनाना चाहिए। जो भगवान है सब हमारे इस जमाने में जो राज्य है उसने भी जो पद दिया तो साथ में सब सामग्री देते हैं, तो विवेक रूपी गुरु सब वो दिया। हरेक भाई बहन जितने हैं सबको विवेक दिया, और वो असली गुरु वही है। ऊपर से गुरु बनाना ये तो एक साल है, और संतों को तो ये कह रहा है गुरु अपने भीतर होता है। उन्होंने अपने गुरु जी की बात बताई, गुरु जी का शरीर शांत होने लगा तो मैंने कहा कि महाराज आपका कुछ दिन सही और रहता तो अच्छा था, मेरे को कोई बात होती पूछ लेता। कहते मैं एक शरीर में नहीं हूँ, जब तुम्हारे जरूरत पड़ेगी तो मैं मिल जाऊंगा उसी शरीर से, तुम्हारा समाधान हो जाएगा। उन्होंने लिखा है ऐसा गुरु जी ने कहा और ऐसे मेरे बीती बात। मैंने गुरु बनाया नहीं किसी को ही, वो गुरु की बात कर गए और कह गए तो कोई कोई ऐसा संत मिल जाएगा वो तुम्हारी बात बता देगा, तुम्हारे कल्याण हो जाएगा, संदेह नहीं। और मेरी दृष्टि में बहुत अच्छे महात्मा है वो, मेरी दृष्टि में ऐसे सबसे श्रेष्ठ महात्मा है, उससे बड़ी रूप में महात्मा मेरे को दिखता नहीं। तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष जो पैदे हो गए उनमें भी कोई ऐसा दिखता नहीं जैसे विशेष है। उसने चेला नहीं बनाया, फिर चेला बनाया उसका नतीजा देखा, वो चेला मैंने नहीं देखा है। उन्होंने लिखा है कि चेला बनाए वो मेरे को कष्ट पाल देता है, भगवान को छोड़ देता है, तो ये बड़ा अनुत होता है। भगवान को छोड़ दे गुरु जी को पकड़ दे, ऐसे सत्संग की बात मैंने भी देखी है। सत्संग कराते हैं तो कहते हम तो आपको ही जानते हैं, वो भगवान को ना भगवान मेरे को नहीं जानते, तो मैं चेला बनाता नहीं हूँ, नहीं बनाने पर भी हमारी ये दशा है। हमारे को मानने वाले कहते आपको ही मानते, हम तो ईश्वर को नहीं मानते, तो ये नास्तिकता है। ये गुरु बनाने में बहुत नुकसान है, बड़ा भारी हानि है। गुरु न बनने पर भी यह दशा है, यार गुरु बनने के बाद क्या दशा होगी? ठीक सरलता से विचार किया जाए तो साधन समझ में आवे, वो तत्परता से साधन करो। गुरु शिष्य का संबंध मत जोड़ो, सच्चा उद्धार कोई चाहता है तो संबंध मत जोड़ो,
संबंध जोड़ने पर और से भी तरह जाएगा और वहां कुछ मिलेगा नहीं। जयराम जी, अपना कल्याण चाहते हो, जहां कल्याण की बात मिले वहां से ले लो, तो तत्पर से लग जाओ, उद्धार होगा जरूर, उसमें संदेह नहीं है। परमात्मा की प्राप्ति में संदेह नहीं है। जिनके देह लगन है परमात्मा की, उसका परमात्मा गुरु है। कृष्ण वंदे जगत गुरु, ऐसा मान लो, कृष्ण भगवान को मान लो गुरु, गीता उसका मंत्र मान लो, पहले बार संतों को मान लो, और किसी को नहीं, भगवान को ही स्वर्ग गुरु मानो। ये संतों की वाणी में बात आती है, बेटी पूछे बाप ने अण वायो जर अण जायो बरलाय, बेटी पूछे बाप ने अण जायो बरलाव, अण जायो बर ना मिले तो तेरे मेरे ब्याह। बेटी पूछे बाप ने, मतलब क्या है कि गुरु ऐसा होना चाहिए, अण जायो जन्मे हुए ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए, अण जायो बरलाव, अण जायो बर ना मिले तो तेरे मेरे ब्याह। भगवान से पूछता है भगत कि ऐसा बर हमारे को मिलाओ, ऐसे गुरु मिलाओ जो अनजाया हो, जन्म मन से रहित हो, और ऐसा न मिले तो आपके हमारे ब्याह, आप गुरु में चला। तो वास्तव में ऐसा गुरु मिलना मुश्किल है। अपने इतने भाई बहन इकट्ठे होते हैं, हम कहने वाले भी सुनने वाले भी सब मिला करके, इसमें ठीक तत्व को जानने वाला एक दूसरा इसको होता होगा तो होगा, हमारे विश्वास नहीं बैठता। मैंने देखा है, बातें पूछी है, तो बैठता नहीं है कि वो ठीक तत्व जानने वाला है, यार वो स्वयं ही नहीं जानता तो चले वो क्या बताएगा। सरलता से अपने सीधा विचार करना है, तर्क कुतर्क की बात नहीं है। गुरु वही सकता है गुकारस अंधकार से गुकारस करने को अधिगत, हृदय के अंधकार को दूर करने को गुरु होता है। तो हृदय के अंधकार को दूर कर ऐसा गुरु हमें कोई देखने में नहीं आता है। उस भय से पहले तो उसे देखते थे, आजकल कोई देखने में ऐसा आता ही नहीं है। अब छिपे हुए कहीं विराजमान है तो हमें क्या पता, अपने में भी कोई होगा तो पता नहीं हमें, ऐसा हमारे देखने में आया नहीं कि जो ठीक था तो वो जानने वाला हो। पहले वाले संतों की पुस्तकें पढ़ते हैं, पुस्तकें पढ़ने पे भी हमारे पूरा संतोष नहीं होता। गुरु खूब जानकार चाहिए, तो इस तरह के सीधे जानने वाले गुरु बहुत कम हुए। परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाए, ऐसे पुरुष तो देखने में सुनने में आते हैं। परंतु जो इससे भी बढ़ करके, सबसे बढ़ करके हो, जहां मतभेद नहीं होता, असली गुरु होते हैं, असली जानकार, उनमें मतभेद नहीं होता। बार मतभेद है, द्वैत है, अद्वैत है, विशिष्टाद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, द्वैताद्वैत है, अचिंत भेदाद्वैत है, पांच भेद अपने वेशों में देखने आते हैं। तो ये भेद भी जहां नहीं रहे, मतभेद जहां नहीं रहे, वो असली गुरु होता है। ऐसा गुरु देखने में बहुत कम आते हैं। वाणी सुनिए उसमें बहुत कम है। सच्चे हृदय से भगवान की तरफ लग जाओ, सज्जनों सब पूर्ति होती है। भगवान की तरफ से कोई कमी रहती नहीं, साईं के दरबार में कमी का होगी ना। भागहीन भोजन तो मिले तो सुख से तेले माए, सुख सेले में जाएगी। क्रिया दूषण दास में नहीं, राम में दोष। दरिया दूषण दास में नहीं, राम में दोष। जन साले एक पावन साले सोकुश। गीता में तो ये था तथा लिखा है, संतों में लिखा है, जन साले एक पावन साले सोकुश।
सच्चे हृदय की लगन वाले भगवान मिलते हैं। सच्ची जिसकी लगन हो सो बालों होती है। तो आप में जितने भाई बहन बैठे हैं, मेरी प्रार्थना तो ये है सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। उस भगवान के बिना आपके बेचैनी हो जाए। लगन बताई संतों ने, लगन गई लगन लगन कहा वे सो लगन लगन सबको ही कहे लगन कहा वे सोए नारायण लगन में तन्मय निजे कोए। सच्ची लगन लगती है मन में ये पांचों अनुस्वार नारायण हरि लगन में ये पांचों अनुस्वार विषय भोग निद्रा हसी जगत भेद भोगपात ईश्वर नहीं। भगवान की बात के सिवाय दूसरी बात स्वाद ही नहीं। ऐसे मन में लगन लग जाएगी उसको परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा की प्राप्ति में कठिनता क्या है? केवल लगन ही है और कोई कठिनता नहीं है। जितने काम संसार के सबसे शुभ है परमात्मा प्राप्ति। परंतु कब सच्ची लगन हो जाए तब हृदय में सच्ची लगन हो जाए तो परमात्मा तुम्हारी सब काम जितने सबसे सर्व है। क्योंकि वो सब जगह है, सब देश में है, सब कारण में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, सब वस्तुओं में सदा सदा विद्यमान है, सदा परमात्मा। अभाव नहीं होता कहीं भी, कभी भी, किसी लिए भी। किसी को मिले किसी को नहीं, वो परमात्मा ही होते। परमात्मा वे सबको मिलते हैं, सबको मिलते हैं। अब हिंदे भाई बहन बैठे समझे सबको परमात्मा मिल सकते हैं। सबको धन नहीं मिल सकता, धन को इज्जत बन नहीं मिलती, मान नहीं मिल सकता, पढ़ाई नहीं मिल सकती, आदर सत्कार नहीं मिलता। संसार की चीजें सब चीजें किसी आदमी को नहीं मिलती और परमात्मा सबको मिलने के लिए तैयार बैठे हैं। केवल उसकी प्राप्ति ही लालसा कमी है और कोई कमी नहीं है। मैंने तो अपने पर देखा लालसा हमारी जो होनी चाहिए लालसा नहीं है। हमने देखा असली लालसा हो तो भगवान बिल्कुल तैयार होते हैं। संतों के मैंने सुना है कि भगवान तो मारवाड़ी भाषा में भगवान तो मिलने के लिए मरे है। सब मरे कोई भूखा मरे ना, ऐसे भगवान मिलने के लिए मरे है। मैं मिलने के लिए ऐसे बैठे जो आतुर हो रही है। तो वास्तव में मिलने की इच्छा वाले कम है। परमात्मा से मिलना चाहते हैं ऐसी इच्छा वाले कम है। ऐसे इच्छा वाले मिल जाए तो परमात्मा मिल जाएंगे जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं है। सपने में भी एक लाल से कम है। गुरु की कोई जरूरत नहीं, गुरु है। राजकीय आदमी अफसर को नौकरी भी दी जाती है, बगैर मकान सब दिया जाता है। ऐसे मनुष्य शरीर जिस परमात्मा ने दिया है उस परमात्मा ने उसके भीतर विवेक दिया है, इसमें संदेह नहीं है। अगर वो सच्ची हृदय से चाहता है तो भीतर से बातें मिलेगी। गुरु क्या हो तो गुरु मिलेगा, गुरु के अवसर अभी वर्तमान में नहीं है तो पुराने संत महात्मा हुए सनदास जी और सुखदेव जी मिले थे। सुखदेव जी तो बहुत हजारों साल वर्ष पहले हुए, सुखदेव जी मिल गए। चेले की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता इतनी नहीं है जितने सच्चे चेले की आवश्यकता। उसको भगवान मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, निसंदेह मिलते हैं। जो सच्चे हृदय से परमात्मा की तरफ चलता है उसके लिए संसार में आदमी जितने मनुष्य हैं, चोर है, डाकू है, कसाई है, जिसमें हत्या करने वाले, वे पुरुष भी उस सहमत हो जाते हैं और भगवान उसके सहमत होते हैं। और संत महात्मा जितने हुए पहले
ओ मिलते हैं और हमारी होंगे, सबकी सम्मति उनके साथ है। जो सच्चे हृदय से परमात्मा को चाहते हैं उनकी सब सहायता करने के लिए एकदम उत्कंठित है। आप इतने बैठे आप विचार करो, सच्चा भूखा हो तो उसको अन्न देने के लिए किसी के मन में नहीं आती। अपनी शक्ति के अनुसार सब दूसरों का उपकार करने के लिए तैयार है, केवल चाहता है केवल भूखा हो, उनकी चीज कर लो तो सुधरें वो तैयार। तो साधारण रूप में ही ऐसे आदमी है तो गुरु बने जैसे महात्मा तो के जीवन मुक्त महात्मा वे सदा तैयार है, सबके लिए तैयार है, सदा के लिए तैयार है। सच्चे हृदय से लालसा लगाओ सज्जनो, वो लालसा होने से गुरुमाता मिलेंगे, गुरु मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, वचन मिल जाएंगे, वाक्य मिल जाएंगे, उसे उद्धार के लिए रास्ता मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। जितने संत हुए सब सहमत हो जाएंगे, जितने महात्मा है वो सहमत हो जाएंगे, धर्म से सहमत हो जाएगा, शास्त्र से सहमत हो जाएगा, अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष भी सहमत हो जाएंगे। सदा उसकी तैयारी करने के लिए, उनको उद्धार करने के लिए उत्कंठित हो रहे हैं। जैसी उसकी अग्रता लागत नहीं है, ताकत नहीं है और उसकी लागत भी नहीं है, उतनी जोर से ज्वाला नहीं है, इतनी ज्वाला उन लोगों के है जो इस विषय को जानते हैं। संसार के विषय जानने वाले बाधा लगाते, वे अपना जानना बताते नहीं, पर परमात्मा जानने वाले बहुत सारा। गीता प्रेस में रह कर हमने विचार किया, दो पैसों में गीता से भी हमने दो पैसों में गीता दो पैसा दो पैसा में गीता पूरी सर्दी सर्दी कितनी छाप सकते हैं। मैं और वासुदेव थे दोनों, वासुदेव से ही शांत हो गया, और सर्दी सर्दी गीता में तो उद्धार के मार्ग में बहुत सस्ती पुस्तक मिलती है, बहुत सस्ते महात्मा मिलते हैं, बहुत सस्ता उपदेश मिलता है, उसके कोड कोड एक लगता नहीं, कुछ लगता नहीं। इसमें तो चाहना वाले ही कमती है, चाहना वाले अच्छे मिल जाए तो बहुत जल्दी कल्याण हो जाता है। मैं मेरी ऐसी योग्यता नहीं मानता हूँ, परंतु मैंने भी कह दिया था 5-7 वर्ष हो गए कि कुछ वर्ष दिन रह गया तो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसी बातें बता दूंगा। तो मेरे मन में आती है ऐसी अच्छे महात्माओं की बात अलग ही भाई, उनकी तो बात ही अलग है। ऐसी शुभ परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग मिलता है, केवल चाहना चाहिए अपनी, और कुछ जरूरत कोई जरूरत नहीं आप योग्यता की। आप पढ़े लिखे होगा, पढ़े होगा आप कैसे क्या जानते हो नहीं जानते हो कुछ बात नहीं, केवल परमात्मा की प्राप्ति हो, ये लालसा सच्ची हो तो संत महात्मा मिलते हैं, वैसे बात बताने में मिलते हैं, जरूर मिलते जरूर मिलते जरूर मिलते, इसमें गुरु की कमी है ही नहीं। ऐसी कहानियां मेरे को याद है, ऐसी बातें याद है, ऐसी युक्तियां याद है, जल्दी कल्याण हो जाए ऐसी, केवल लगन चाहिए, केवल लगन लगाओ। आप जितने भाई बहन वैसे हैं, आपसे प्रार्थना है केवल लगन लगाओ, आप वो लगन ऐसी हो सबसे तेज हो, और दूसरी कोई लगन नहीं, कोई चाहना नहीं, एक ही चाहना परमात्मा प्राप्ति हो जाए, भगवत दर्शन हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए, तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्ति हो जाए, विवेक केवल हो जाए, ऐसी चाहना बढ़ाओ। महात्मा मिल जाएंगे, संत मिल जाएंगे, आपको सामग्री मिल जाएगी। ऐसे पुस्तक मैंने देखी, संतों ने ऐसा लिखा है उसको मिलेगा, ऐसे संत महात्माओं की वाणी की मैंने देखी है, और मेरा विश्वास है ये महात्मा लिखते हैं वो सच्चे लिखते हैं। सब जितने प्राणी हैं सबके सब उनकी सहायता करने के लिए तैयार बैठे हैं।
केवल चाहना हो अपनी भगवत प्राप्ति चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, सच्चे दिल से जो लगेगा उसकी सहायता करने के लिए बैठे सब तैयार है। साधारण आदमी भी तैयार है, महात्मा भी तैयार है, संत भी तैयार है। सच्ची लगन चाहिए भाई, आप लोगों से प्रार्थना है सच्ची लगन लगाओ, सच्ची लगन। आप गुरु की खोज मत करो, ये खोज करो तो अपनी लगन में दूसरी चाहना कोई नहीं हो, छीने की चाहना नहीं है और कोई चाहना किसी तरह की नहीं है, एक ही चाहना परमात्मा की, इसको लगन लगाओ, ये लगाओ आप, आपको बात मिलेगी। कोई कैसा ही हो, किसी देश में रहने वाला, किसी वेश का हो, किसी संप्रदाय का हो, कोई क्यों हो, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं सच्चे हृदय से लगन लगाओ, मिल जाएंगे परमात्मा, मिल जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र। और चीजों को मिलने के लिए इतना ठेका नहीं है, क्योंकि और चीजें हैं वे कम है, सीमित वाली है। सीमित चीज को किसी को मिल जाए तो दूसरे को बताएगा बताएगा नहीं, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए सच्चे हृदय से लग जाए तो सब बताने तैयार है, और स्वयं परमात्मा तैयार है, और जनता जनता सभी तैयार है। डाका डालने वाले, चोरी करने वाले, लोगों लूटने वाले सेवा करेंगे, जंगल में बैठा है संत भी सेवा करेंगे हृदय से, लोटू को लूट कर खा जाए वे सेवा करते हैं। किस तरह से हमारे द्वारा संतों की सेवा बन जाए, ऐसी उन्हें जो उत्साहना है, इसी तरह से लोगों का कल्याण करते हैं भी, ये कल्याण साथ है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ऐसी पक्की बात, सच्ची बात, सिद्धांत की बात है। सच्ची लगन लगाओ सज्जनों, आप लोगों से ये प्रार्थना है। फिर किसे कैसे होगा, क्या होगा, वो हम जानते नहीं है पूरा, पर ये जानते हैं कि सच्चे लगन वाले वो ऐसे महात्मा मिलते हैं, उसका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है किंचित मात्र भी। केवल चाहिए, कल मैं जानता नहीं, गुरु की परीक्षा हम नहीं कर सकते। कैसे करें गुरु की परीक्षा, गुरु से ऊपर होगा वो गुरु की परीक्षा करेगा, हमारे को गुरु चाहिए, हम कैसे परीक्षा करेंगे। एक कहानी आती है, एक राजा थे छोटी उम्र में ही, और राजा थे तो उसने पूछा कि बड़े बूढ़े आदमी आज हमारे राज्य में है, हमारे दादाजी का राज देखा है, पिताजी का देखा है, मेरा भी देखा है, मेरे को भी 5-7 वर्ष हो गए, ऐसा कैसा राज बढ़िया हुआ। तो पूछा लोगों को इकट्ठे किए, अपने राज्य भर के बूढ़े बड़े समझदार उनको इकट्ठे किए और पूछा कि भाई राज्य किसका बढ़िया हुआ, मेरा राज्य बढ़िया है, मेरे पिताजी का बढ़िया है, मेरे दादाजी का बढ़िया है। तो एक बूढ़ा सज्जन था, वो बोला कि आपके दादाजी का राज्य था, उस समय जवान था मैं, अब बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बहुत जवान था, तो मेरी बात बता सकता हूँ, आप राजा लोग हमारे सब हमारे तो मालिक हैं, आप जैसे हैं वैसे ही आप लोग मालिक हैं, अब आप कैसे बताऊँ, क्या बताऊँ आपको, आप कैसे थे वो आप जाने, हमें पता नहीं, मैं मेरी बात आप पूछो तो मैं बता सकता हूँ, अभी तुम बताओ अपनी बात। कहते दादाजी का राजू था, मेरा शरीर तगड़ा था, जवान था, लाठी मेरे हाथ में थी, लाठी तलवार आदि चलाने मेरे को आता है, शरीर भी अच्छा था, तो इसे मैं जा रहा था गांव, गांव जा रहा था, जाते जाते मैंने एक स्त्री के रोने की आवाज सुनी, एक स्त्री रो रही है, मैं कंठ सु देख कोई स्त्री है और रो रही है, कंठ होता है स्त्री का मीठा होता है और उनसे स्वर्ग होता है,
मनुष्य का नीचे स्वर्ग होता है, वो पंचमी स्वर्ग होता है। ऐसे उसे रोना शुरू करके मैं उधर गया तो मैं देखे डर गई। मैंने कहा बेटा भगवान, मैंने प्यार से बोला बेटा तुम भगवान तुम बताओ तू क्या है। तो वो शांत हो गई और बताया कि यही बात है, अपनी बात बताई। मैं अपने पीहर से सासरे जा रही थी, बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी ऊपर सफेद कपड़ा डाल करके बैल के ऊपर एक बनाई हुई थी मकान थी, उस मकान में बैठी थी और मैं जा रही थी तो बीच में डाकू आ गए। डाकुओं के उनके आपस में लड़ाई हुई तो मैंने विचार किया ये आपस में लड़ते हैं, मेरे पर आए हुए तो मेरा दियाना है बहुत, मेरे पास कहना पहरा हुआ तो मेरे को ले लेंगे, काट डालेंगे कहना बल्ली काट करके मेरे को फेंक देंगे, कोई गहना ले लेंगे। तो मैं डर गई तो भागी वहां से, जंगल में भाग गई। तो उन्होंने लड़ाई होती रही, मैं उन्हें भाग गई, भाग करके आ गई। अब मेरे को पता नहीं कि मेरा गांव किधर है, शासन किधर है, जंगल में आ गई। तो रोने लग गई, दुख हुआ, रोने लगी, क्या करूंगा इस वास्ते मेरे को पता नहीं है जाने का। तो उस सिद्धू को कहते हैं मैंने कहा कि बेटा तुम लगो मत, मैं जानता हूँ तेरे ससुर का नाम बता दिया उसने, लिख दिया तो मैंने समझ दिया वो घर मैं जानता हूँ, मेरे परिचित है, चलो मेरे साथ में मैं पहुंचा दूंगा। बड़ा आश्वासन दिया, प्रेम दिया, स्नेह कहा, बेटा बेटा कह कर उनको बताया तो मेरे साथ होगी। तो शाम की वक्त में हम चले गए वहां और मैंने कह दिया भाई तुम थापे भेज जाओ, मैं आदमी के पास जाता हूँ। तो उनको घर में भेज दिया। अगर में वे पहुंचे तो सब जरूर अलझी हुई, ऐसी लड़ाई हुई अपने समय, बहू को कोई ले गया, चोर आए थे दो डाकू आए वो ले गए, अब कहाँ जो है उनको क्या खोजे, नजर क्या किया होगा उसका। वो बोली कि मेरे कुछ नहीं बिगड़ा है, जो लड़ाई हुई मेरी वो देखती थी, मैं देखती रही, मैं एकदम चली गई और रोने लग गई। तो ये सज्जन आए, इन्होंने कहा कि तुम रो मत, मैं साथ रो मैं पहुंचा दूंगा। तो मेरे पहुंचा दिया, सब लोग राजी हुए, भीतर स्त्रियां भी राजी हुई, पुरुष भी राजी हुए। उसने कहा कि जैसे वो बाप लावे अपनी बेटी को, इस तरह से मेरे को लाए, बड़ा प्रेम किया, बड़ा स्नेह किया, और बेटा तू रो मत, मैं सब सब देख लूंगा। तो मैं रुपया दें 500-700 रुपये देने लगे, मैंने कहा रुपयों के लिए मतलब नहीं किया, मैं तो जा रहा था अपने गांव, बीच में एक आवाज सुनी लोग स्त्री की, इस वक्त दया आ गई, मैं चला गया। तो मैंने रुपयों के लिए काम नहीं किया, मैं रुपया लिया नहीं, एक बोल चोरी नहीं ली, मेरे द्वारा एक प्राणी की रक्षा हो गई, अपने घर पहुंच गई, अच्छी बात है, इतना ही मेरे को चाहिए थे, चला गया मैं। इसके बाद में मेरे लगे घाटा, नहीं देता आ गई। तो विचार किया कि रुपयों की जरूरत है, तो महाराज वो दादाजी राज था, वो तो पीछे अपने पिताजी के राज हो गया। उस समय मेरे घाटा लगा तो मन में आया एक थप्पड़ मारता फिर तो वो कहना दे दे सब, वो कहना सब ले देता आज तो आज ये दुख होता, आज कष्ट उठा रहा हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, पर मैंने यही भाई बड़ाई के भूखे वाह वाह के भूखे मैंने छोड़ दिया, सब लिया कुछ नहीं, और डेढ़ लगे हुए पैसा भी नहीं लिया, पछता पड़ गया। और आज तो आपको क्या कहूँ, आप सोते हो अवस्था में और मन हो दंता, हमारा राजा है, हम आपकी प्रजा है। अब आज का विचार हमारा और खराब हो गया है, आज का विचार होता उसको फुर्सा करके अपनी स्त्री बढ़ा लेता और अपने घर जाता तो आज रोटी भी कर देती, कहना था उसे काम चलता, सब काम ठीक चलता, आज ये दशा होती है। तो मेरी दशा ये है, आप लोग आप जानो आपका राज कैसा है, आपको आप जानो आपका बाप है दादा है वो जाने,
तो राजा बड़ा खुश हुआ, बात भी सब कह दी पूरी। और बात क्या आएगी, दादाजी का राज ऐसा था उस वक्त में, इतनी बद मन में प्रसन्नता थी, आनंद था, एक स्त्री की रक्षा होगी मेरे द्वारा, बड़े भगवान ने कृपा करी। और बाप के दादाजी में वो बात हुई मेरे मन में आता गई, कहने का अभाव थी उस स्त्री बढ़ाने का। तो ये बात है, पता नहीं महाराज राजा आप जोड़ बाप का, तो जैसे राजा होते वैसी प्रजा होती है। इसी तरह से सत्संग सुनने को जाते हैं हम, तो सुनने से हमें संतोष होता है, बिना पूछे हमारे प्रश्नों का समाधान होता है। जो हमारे पूछने की बातें होती है बिना पूछे हुए बातें आ जाती है और वे कह देते हैं, ऐसा होता है। तो सत्संग के द्वारा हमारे महात्माओं की बातें सुनने को मिलती है। एक सज्जन मिले थे, वो कहते थे मैं ऐसी आयुष्मानी थे, आयुष्मानी हुए फिर सनातनी हो गए, अब सही नहीं है उनका। वो कहते थे कि मैंने देखा है कि कोई महात्मा हो तो उनका सत्संग कहूं, तो मैंने चार बातें रखी थी, अब याद आ गई कह दूंगा भैया चार बातें कही थी। एक तो बिना पूछे हमारी संत हमारे जो भीतर की शंका है उनका समाधान हो जाए, उनके पास बैठते से, एक तो आ बात। एक बात यह थी कि मेरे से कुछ चाहते नहीं, न रुपये चाहते, न दमसकार चाहते, न कुछ भी नहीं चाहते, कोई चीज की चाहना उसे मेरे से नहीं। दो बात। तीसरी बात, शास्त्रों में जो तरह तरह की बातें लिखी है, द्वैत की, अद्वैत की, विशादी, विशुद्धाद्वैत, तो मेरी जान में वे सब बातें जानकार थे। ऐसा महात्मा हो जो सब बातें पूछो तो ज्ञान की बात बता दे, कर्म की बात बता दे, योग की बात बता दे, सब बातें पूछे पूछे पर बता दे, सब बातों ठीक तरह जानने वाले अनुभवी पुरुष। तो मेरे से उत्साहते नहीं, बिना पूछे समाधान हो जाए, और सब बातें जानने वाले ऐसे पुरुष, उसे मैं सत्संग करूं। तो मैं से संग में गया, ऐसे महात्मा मिले। और मेरे कुछ नहीं चाहते, कभी भी स्वप्न में भी कोई चीज चाहते नहीं, उनके पास आया सत्संग किया। और चौथी बात क्या बताई गई, हाँ, और स्त्री और स्त्री रहते थे, वो गृहस्थ है, गृहस्थ होते हुए भी कंचन कामनी को दूसरे की स्त्री से कभी विचार उन्होंने किया नहीं, इसे दूर रहते। ये चार बातें बताई, तो ये चार बातें जिनमें उनका संग करने से मेरे लाभ हुआ, तो नसीब बात बताई। तो ये कहानी सुनी और उस संग ने ये बात कही, तो मेरे से कोई स्वार्थ नहीं, किसी तरह का ही कोई संसारी दूसरा कोई स्वार्थ नहीं, और स्वाभाविक उनके द्वारा मन का समाधान होता है, पूछना पड़ने पड़ता, बिना पूछे भी आप समाधान होता है। तो ऐसे पुरुष देखे, तो आपको तो संग करना हो ऐसा पुरुष देखे, ऐसा पुरुष जहां मिल जाए बोलो मत, उसे पैसे मत करो, उसे सहन विचार मत करो, उनका संग करो। आप अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो ऐसे पुरुषों संग करो। पैसे ज्यादा करना नहीं चाहिए, पैसे ज्यादा करके संबंध जोड़ने से खटपट होती है। अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष है, उन्हें चेला बनाते नहीं। क्यों नहीं बनाते, कि चेला बनाने पर उसे उद्धार करने का ठेका आ जाता है, अगर चेला न बना सके तो दोष लगता है। उसका उद्धार न करे चेला बना लिया, उद्धार न कर सके तो दोष लगता है, और चेला अगर उसका कहना नहीं करे तो उसको पाप लगता है। तो इस दोष के लिए वे शिष्य नहीं बनाते, और जिन्हें शक्ति नहीं है उद्धार करने की, वे भी शिष्य नहीं बनाते। वे शिष्य बना ले, हम अपना ही कल्याण नहीं कर सके, दूसरों का कल्याण कर नहीं सकते, शिष्य कैसे बनावे, तो शिष्य नहीं बनाते। तो ऐसे पुरुष मिल सकते हैं, पूर्ण महात्मा मिल जाए ऐसा। तो भाई आज
देखने में नहीं आता है परमात्मा जाने फिर कौन कहे, देखने में आता नहीं है, चुपचाप कहीं विशाल विशाल विद्यमान है तो महात्मा है। ऐसी सुनी है बात कि महात्मा हृदय में रहते हैं, भगवान का नैमित्त अवतार है और महात्मा को नित्य अवतार है, नित्य हमेशा हरदम जनता के उद्धार के लिए महात्मा रहते हैं, उस जन जो चाहे उसे उद्धार करते हैं, फिर उद्धार की बातें कहते हैं, उन्हें कहने के अनुसार से चलो चुपचाप तो अपना उद्धार होगा, सुधार जरूर होगा, सत्संग करने से सुधार जरूर होता ही है। वो तो मैं भी कह सकता हूँ, अपने आपस में विचार करें, इन विचार से भी लाभ होता है। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, ईर्ष्या है, दोष अपने में रहते हैं, सत्संग करने से देखते हैं तो दोष जो क्रोध का दोष आमे है, वो क्रोध का दोष पहले था बड़ा तेज, उनमें तीन बातें होगी, पहले जल्दी जल्दी क्रोध आता था, अब सत्संग करने के बाद में उतना जल्दी नहीं आता, दूर बैठे सत्संग करते कहना नहीं है, सुनाना नहीं है, उन्हों को कहना नहीं है, किसी को बच्चा बताना नहीं है, सत्संग करने से उतना क्रोध तेजी से नहीं आता, पहले दोष दृष्टि ज्यादा होती थी, क्रोध ज्यादा आता था, अब उतना नहीं आता है, देरी से आता है, और पहले आता था जब जोर से आता भपका तो उतना जोर से नहीं आता, एक तो पहले जल्दी जल्दी आता था, तेजी का आता था, उस तेजी का नहीं आता, देर से आता है, क्रोध कम हो गया है। तीसरी बात उसमें और होती है कि क्रोध आने पर भी शांति से बात कर सकते हैं और कहने पर शांति की बात सुना सकते हैं, वे क्रोध के वशीभूत नहीं होते। तो ये तीन बात तो हरेक साधन में होगी ही, अगर नहीं होती है तो सत्संग मिला नहीं है, सत्संग असली मिला है तो ये तीन बातें होती है। क्रोध जितना जल्दी जल्दी आता उतना जल्दी नहीं आता, और जितना वेग से आता उतना वेग से नहीं आता, जितना देर ठहरता उतना ठहरता नहीं, ये तीन बात होती है। काम के विषय में ऐसा ही है, काम के विषय में उसके पास में रहने मात्र से बात मत करो, काम बात बात करो, उन बात की न करने पर भी उनके पास रहने से काम वृत्ति शांत रहती है, नहीं तो काम वृत्ति बड़ी तेज होती है, वो शांत रहती है। काम क्रोध लोभ मोह मद ये जितने दोष है, ये दोष तेजी से होते हैं, ये कमजोर हो जाएंगे, जिनके संग है उनका संग करो, परिचय करने की जरूरत नहीं। संतों की वाणी में मैंने पढ़ा है कि साधु को जो उद्धार चाहे अपना, किसी से प्राइवेट संबंध नहीं जोड़े, संबंध जोड़े किसी, संबंध जोड़ने पर उसमें एक व्यक्ति या व्यक्ति का मोह हो जाता है, मोह हो जाते हैं, भर जाते हैं, इस वास्ते संबंध नहीं जोड़े तो वे संबंध नहीं जोड़ते, परंतु उनके संबंध से लाभ होता है, ऐसे पुरुष तो मिल सकते हैं आज, ऐसे मेरे को भी मिले हैं जिनके संग से बड़ा लाभ हुआ है, हमारे को हुआ है, आपको भी हुआ है, होता होता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो वास्तव में हमारे को लाभ लेना है, हमें गुरु शिष्य का संबंध जोड़ के लोगों में प्रसिद्धि नहीं करना है, हमें तो अपना लाभ लेना है। तो लाभ लाभ लेना हो तो आवार भी आप जाओ, अच्छी बातें सुनो जो अपने विषय में हो सुनो, और अपने काम की बात नहीं है उठ के चल दो, संबंध कुछ जोड़ मत, जहां तक बड़े संबंध जोड़ मत और सुनो, उद्धार जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है, वृत्तियां कमजोर है ये बैठेगी, और देव समाधान होगा, भीतर का समाधान होगा, शंका है उनका समाधान होगा। जैसे मेरी शंका रही कि ये महात्मा हो गए तत्व के जीवन मुक्त, फिर आपस में मतभेद क्यों रह गया, ये मेरी शंका रही है, कई शंका रही है, अभी भी ऐसी शंका है जिनका समाधान नहीं मिला है। मैं चाहता हूँ समाधान मिले, अरे बहुतों से कहा है मैंने, वो आपके लाभ सामने भी कर दूं,
आप में कोई समाधान करने वाला हो विचार तो मेरे समाधान कर दे, मैं वो चाहता हूँ समाधान। समाधान महाराजी है। अभी जो ये पशुओं को मार रहे हैं 36,000 33,40,50 अभी और वे कारखाने खुल गए हैं पशुओं को मारने के लिए। गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, सब पशुओं को मारने के लिए लाखों की तादाद में मारे जाते हैं रोजाना। और इतने जन्मते है नहीं, जितने पशु मारे जाते हैं इतने जन्मते नहीं है। तो जब पशु खूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उनके सरकार क्या जिम्मा देगी? लाखों पशु रोजाना मारे जाते हैं, बहुत पानी खर्च होता है, बहुत आदमी उम्र खर्च होती है, बहुत से आदमी रहे हुए हैं, पशु नहीं रहेंगे तो पगार सदा क्या करेंगे? वो आदमी जीव क्या देंगे? इसका समाधान बन नहीं हुआ। लाखों आदमी क्या जीवा देंगे? दूसरे बार परिवार नियोजन कर रहे हैं आज के संतान ज्यादा नहीं होना चाहिए, संतोष हुआ है नहीं, और ये शास्त्र से विरुद्ध है। परिवार नियोजन करना शास्त्र से बिल्कुल विरुद्ध है, प्रकृति के विरुद्ध है, ईश्वर के विरुद्ध है, महात्माओं के विरुद्ध है, जितने संप्रदाय हुए इनके जितने आचार्य हैं उन आचार्यों के विरुद्ध है। अभी जो आचार्य हैं वे भी इसके खिलाफ है और कर रहे हैं इस प्रकार का। और 6-6, 10-10 बेटा एक साथ में 10-10, 11 6-7, 5-4 ऐसे कई क्षेत्र में अखबारों में कमाई है, उनका चित्र देने में नहीं करेगा। और ये जब तक परिवार योजना नहीं था उस समय इतने पुरुष नहीं जन्मते थे। एक साथ में 10 बालक, एक स्त्री के 10 बालक, 2 बालक ज्यादा ये तो पहले भी होता था, मैं 2 हूँ 3 बालक हो गया तो मेरा याद ही नहीं है। आपको वो याद में तो बताओ, ये परिवार नियोजन करने के बाद में 10-10 बालक, 5-5, 6-6 बालक एक एक साथ में, तो प्रकृति विरोध कर रही है। ये प्रकृति का विरोध करना प्रत्यक्ष सामने सबके, और ऐसा प्रगति करके घट रहे हैं। और जिस समय में स्त्रोत नहीं था उस समय में बाहर से अनाज आया था, आज अनाज या बाहर भेजा जाता है और कहा जाता है कि प्रजा कहाँ रहेगी, खाएगी क्या, रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, पैदा नहीं होता है, लोग क्या खाएंगे? तो लोगों को नहीं आना आए तो पैदा होता है। एक आदमी 30-30 रुपया रोजाना, 40 रुपया रोजाना, 50 रुपया रोजाना, ऐसे आदमी नहीं मिलते हैं। मथाड़िया में जब सत्संग हुआ मैंने पूछा, हुआ एक दिन बहुत आदमी बैठे हुए थे, पूछा तो आदमी इतनी इतनी तनख्वाह देते हैं फिर भी आदमी मिलते नहीं। तो खेती करने वाले आदमी नहीं रहेंगे तो खाएंगे क्या? ये तो कहते हैं आदमी ज्यादा होने से खाएंगे क्या, हमके कम होने से क्या खाएंगे? पानी घट रहा है, अभी पानी की मैं बात कोई 20-30 वर्षों से कह रहा हूँ, पानी कमी हुई। अभी एक मंत्री ने कहा है, अभी किसका मंत्री हो, उस मंत्री ने कहा कि 50 वर्षों के बाद जल मिलना मुश्किल हो जाएगा, पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। हम कहते हैं पानी का अन्न का घाटा होगा, लोगों को अन्न नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, मनुष्य जब खत्म हो जाएगा खेती करने वाले, सर उसमें दूसरे जितने विरोधी है वे बढ़ रहे हैं। कांग्रेसी समाज है उस समाज देखो, हिंदू उत्सव तो घट रही है और दूसरे समाज बढ़ रहे हैं। उन्होंने मंदिर तोड़ दिए है और लोगों को तबाह कर दिया है, बैठ बैठ कर लोग देते हैं वे बढ़ रहे हैं, बोलोगे बढ़ती संख्या बढ़ जाएगी, ये संख्या घटा हो जाएगा, इस घाटे की पूर्ति करने का कोई उपाय है ही नहीं। आप बताओ इतने बैठे हो इस घाटे की पूर्ति करने का उपाय क्या है? जो परिवार नियोजन कर दिया और जो घाटा पड़ गया, एक आदमी रहा, एक दो है,
और वे मर गए, आज गांव में पानी पड़े वाला नहीं है, बूढ़ा बूढ़ी बैठे हैं, बेटा दो थे मर गए, पानी पड़े वाला नहीं है, ऐसे सब हो रही है। और जब ये घट जाएगी प्रजा, अरे दूसरे जब आज है प्रजा का वोट के जमाना, वोट लेकर के दिया जाए, वोट जमाना होगा तो ज्यादा संख्या होगी उनके राजी होगा, तो अल्पसंख्या को दशा क्या होगी। आज जैसे अल्पसंख्यक को अधिक वोट दिया जाता है, अधिक आधार दिया जाता है, क्या यह देंगे भी जिनका जो बढ़ रही है संख्या। स्वराज के समय संख्या कितनी थी, आपकी संख्या कितनी थी, उद्देश्य कितनी है, उद्देश्य कितनी है, ये बढ़ जाएगा तो इस समुदाय की सुरक्षा कौन करेगा। इसका जवान मेरे पास कोई उत्तर नहीं है। असली अभी जो प्रजा घट रही है इसका उत्तर, ये दो प्रश्न है हमारे। पशु मारे जाते कारखाना को क्या जीविका देगी सरकार, और इनकी रक्षा कौन करेगा, सरकार कैसा करेगा रक्षा। मंदिर हमारे खास विश्वनाथ मंदिर, अयोध्या का मंदिर, मथुरा का मंदिर, ये खास भगवान के मंदिर, वो तोड़ दिए गए और अब वही संख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की संख्या घट रही है, दोनों की संख्या बढ़ती है। उसमें देखा जाए तो हिंदुओं की संख्या जितनी बढ़ी इतनी उनकी संख्या ज्यादा बढ़ी है, गिनती मेरे पास आई है, अखबारों में व्यथा आई है, मैंने सुनी है, पढ़ी है, आप लोग भी जानकार हैं। तो ये बढ़ जाएगी, जैसे बढ़ जाएगी तो एक जाति विशेष का नाश हो जाएगा, इसका समाधान क्या है, मेरा प्रश्न है ये। अच्छे अच्छे पुरुषों से मैंने किया है, जवाब नहीं मिला है, आप लोगों को बताओ। ऐसे संप्रदायों में जो उद्धार हो रहा है, दुनिया का उद्धार करे, उन संप्रदायों में भी ऐसा देखते हैं जो उस संप्रदाय के तत्व को जानने वाले पुरुष नहीं मिलते, जैन संप्रदाय के भी जानने वाले गहरे जानने वाले नहीं मिलता है, सनातन के भी गहरे जानने वाले नहीं मिलते है, पढ़ाई में भी बहुत शिथिलता आ गई है, जानते ही नहीं है। कल ही प्रश्न आया था, लड़के ने पूछा कि दूसरे जानने में क्या हाल है, मांस खाने में मछली खाने में क्या हाल है, इसका ठीक जवाब नहीं मिलता है। हम देते हैं इन बातों का जवाब, हम लोग देते हैं, हम लोग पूछते हैं, वो कहते हैं, बताते हैं, हम सब समझा दे, हमारी ताकत नहीं है उसको समझा दे ठीक तरह से, ये हमारी ताकत नहीं है, परंतु इनका जवाब तो है, दो बातों में जवाब नहीं है। इन्हें हिंदू के हिंदू समाज की क्या दशा होगी, इसका जवाब नहीं हमारे पास। आप में कोई हो तो बता देना, हमारे एकांत समझा देना, मेरे उत्कंठा है, सहना है, समाधान हो जाए, ऐसे पशुओं के बद की सहना है, क्या दशा होगी। आज भी जल कमती है, जितने पशु काटे जाते हैं उसमें जल बहुत खर्च होता है, उसको साफ करने के, उसको खून और शिफा ठीक करने में बहुत जल खर्च होता है, जल भी बहुत खर्च होता है, 36,000 और 30-35 रुपए ऊपर कितना भी, 36,000 पहले थे, अभी बढ़े को 30-35 हजार बढ़े भाई, और इतने में कितना पानी खर्च होता है, या पानी वो कहाँ मिले, किसको मिलेगा, इतना पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा। एक मंत्री ने कहा है 50 वर्ष हम 3-4 वर्षों में ही, तो देखते हैं पूछ लूंगा, जल कुआं में नीचे जा रहा है, बांध बड़े बड़े बिलों तक बांध भरे हुए, उन बांधों में मिट्टी भर रही है, जल कम रहा है, वर्षा कम होती है, वो कम होने से पानी आता वो कम है, कुआं में बोरिंग करते हैं, नीचे चला गया पानी, चला गया नीचे, ये दशा हो रही है कुआं में, मैंने देखा है ऐसे कुआं का, जानता हूं। तो क्या होगा, क्या समाधान है इसका, कोई समाधान नहीं है। ऐसे ये शंका थी कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए फिर मतभेद क्यों रहता है,
तो एक संतों की वाणी से मेरे को कुछ समाधान मिला, पर ये समाधान नहीं है, नहीं बताऊंगा। परमात्मा की प्राप्ति होने पर आगे क्या था? आगे मतभेद कैसे रहता है? आपस में मतभेद क्यों रहता है? अगर वो पूर्णता है तो मतभेद नहीं रहना चाहिए। अरे मतलब पूर्णता नहीं है, पूर्णता नहीं तो कमी क्या है? अरे वो पूर्ति कैसे हो? समाधान नहीं है। आप लोगों के हो तो आप लोग इतने बैठे सुनते हो, और इनके सिवाय और भी सुनाओ लोगों को, जो कोई दे कोई समाधान बता दे। सरकार क्या करेगी उनको, कहा उसको जीव का क्या देगी? जितने जन्मते नहीं है इतने पशु, इतने मारे जाते हैं, तो जन्मते उतने नहीं है उतने मारे जाते हैं, तो घटेगा क्यों? घटेगा, पहले से पशु घटा है। सरकार को पहले आंकड़ा पूछ लो, अरे घटते घटते घट जाएगी, फिर तरह से क्या होगी? पैसा बढ़ता है, पैसा 1,000, 10,000, 20,000, 15,000, 20,000 एक एक पशु का मारने पर, टूट टूट करने पर पैसा बढ़ता है। वे लोग से काटते हैं, पर जीव का क्या होगी, जीवे क्या कैसे आदमी, किसे पता नहीं। मैं चाहता हूं उसका समाधान मिले कोई। इसी तरह से पारमार्थिक रस्ते में भी कैसे उन्नति होगी उनकी, किस तरह से कल्याण होगा, भगवान जाने। इनका कुछ कुछ मेरे को समाधान होता है, कुछ पुस्तकों से पढ़ने से कुछ समाधान आता है। समय हो गया, अब समय हो गया भाई, मन में दिन में कहेंगे, दिन में कहेंगे, और कहने की बात है वो दिन में कहेंगे। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2055 15 अगस्त 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गांधी मैदान जोधपुर में हुआ। राम।